सो ब्लड की हमने दो फीचर्स पढ़ी अभी तक. एक पढ़ा हमने उसका ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकेंड हमने पढ़ा दैट इज द ब्लड का जो आरएच फैक्टर है. ठीक है, आरएच फैक्टर, रिसेस फैक्टर, दैट इज अगेन अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. इफ प्रेजेंट वी कॉल द पीपल विद अ पॉजिटिव ब्लड. ठीक है, बी पॉजिटिव, सी जो बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, एंड इफ नॉट प्रेजेंट वी कॉल देम एज द नेगेटिव वंस. ठीक है, आरएच नेगेटिव होता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव. So that is because they are having not having that particular protein in the blood. ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी composition, composition में हमने पढ़ी थी that there are the special three types of the proteins. कौन कौन सी, what are the three types of the proteins, can anyone please name it? The three major types of the proteins which are present in the blood plasma, fibrinogens or globulins or albumins. मैंने पढ़ाया था थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्रोटीन्स, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट, दैट आर द फर्स्ट आर द फिब्रिनोजेंस, सेकेंड आर द ग्लोबुलिंस एंड थर्ड आर द एल्ब्यूमिन्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग तरह की प्रोटीन्स अवेलेबल हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा में. अब इनका बेसिक रोल हमारे ब्लड को एक और फीचर देता है, दैट इज ऑफ इट्स क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड का क्लॉट होना. अब ब्लड का क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, दैट इज अनदर फीचर ऑफ आर बॉडी विच इज कंसर्न टू द ब्लड. अगेन अभी हम ब्लड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पहले कॉम्पोजिशन, फिर उसका ग्रुपिंग, फिर उसका आरएच फैक्टर, नाउ उसी के बारे में उसका क्लॉटिंग. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द फ्लूइड दैट इज द ब्लड ओनली. सो दिस इज ब्लड क्लॉटिंग. क्लॉटिंग मीन्स दैट इज वेन द ब्लड ओजेज आउट फ्रॉम द इंजरीज, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इट स्टार्ट स्टॉप्ड ऑल्सो. ठीक है, मतलब वो रुकना भी शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो निकलता ही रहता है. इट इज इन द ब्लीडर्स डिजीज ओनली, हीमोफीलिया, when if a person in the life cycle gets the blood bleeding. ठीक है, अगर उस person को जिसको ये disease है, it's a recessive disease, very recessive disease, मतलब बहुत हजारों में किसी एक को होगी अगर होगी तो अगर ऐसे किसी बंदे को hemophilia disease होता है, suffer करता है, उसको हम बोलते हैं bleeder's disease. उनकी life cycle में अगर cut लग जाता है, bleeding होता है, तो वो bleeding रुकती नहीं, वो bleeding तब तक चलती रहेगी जब तक वो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म नहीं हो जाता, वो मेंबर जो मतलब जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, डाई नहीं हो जाता तब तक के लिए. ठीक है, बिकॉज दे लैक सर्टन ऑफ द फैक्टर्स विद इन देयर बॉडी दैट विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ठीक है, विटामिन डी इज वन ऑफ द थिंग्स, अदरवाइज देयर आर मेनी ऑफ द के इज ऑल्सो द क्लॉटिंग फैक्टर, पर यहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं और वो एक जेनेटिक डिजीज होती है, जेनेटिकल डिजीज होती है हीमोफीलिया. हीमोफिलिक फीमेल्स तो बर्थ लेते ही डाई हो जाती है. ठीक है, लेकिन हीमोफिलिक को कुछ करियर्स होती हैं जिनमें एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन आता है, ये एक्चुअली एक्स वाई कंसेप्ट है, ये आपको प्लस टू में करवाएंगे. तो ये हीमोफिलिक फीमेल जो है वो तो बर्थ लेते ही डाई हो जाती है, मेल्स सर्वाइव करते हैं या करियर फीमेल सर्वाइव करती है. और ऐसा ही इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत रिसेसिव कॉम्बिनेशन होता है कि एक फीमेल जो करियर है हीमोफिलिक की और एक मेल जो कि खुद से करियर है फुल सफरर वो भी नहीं होगा, तो वो दोनों अगर मैरिज करते हैं आगे ऑफस्प्रिंग होता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि यहाँ पे शायद हीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म आएगा. ठीक है, एंड इफ इन केस द हीमोफिलिक फीमेल इज गिवन द बर्थ देन द फीमेल द गर्ल चाइल्ड डाइज ऑन द टाइम ऑफ द बर्थ. क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड लूज आउट होगा. हमने किया था ना कल भी, जब भी बर्थ दिया जाता है तो ब्लड जो है वो रिमूव आउट होता है ना, तो उस समय पे बेसिकली क्या है, जब फीटस ग्रोथ, जब फीटस को बर्थ दिया जाता है, ब्लड उसी समय निकल गया, ब्लड ने क्लॉट नहीं होना, ब्लड ने रुकना नहीं है, और ऐसे में जो फीमेल हीमोफिलिक्स होती हैं वो डाई हो जाती है. तो वो कंसेप्ट और है. ठीक है, लेकिन बेसिकली दे आर लैकिंग सम ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, इतना आप समझ सकते हो. ठीक है, इन द हेल्दी एंड नॉर्मल पीपल मीन्स, अब अगर हम बात करें कि वन ऑफ द थाउजेंड्स मे बी सफरिंग, मे बी, ठीक है, लेकिन देन अगेन देयर इज अ चांस मे बी सफरिंग विद दैट डिजीज. लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मली दैट इज वन ऑफ द थाउजेंड, वन पर्सन की अगर हम बात करें, लेस देन वन पर्सन की बात करें, तो मोर देन 99% पीपल दे शो दिस फैक्टर, दे शो दिस फिनोमिना दैट इज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, नाउ दिस इन्वॉल्व्स टू मेनी ऑफ द फैक्टर्स. जैसे आपने एक बोला विटामिन के है, ठीक है, वो चीज़ है, प्लस साथ में विटामिन ए भी होता है शायद बीच में जो इन्वॉल्व होता है, बीच में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं और फाइनल ब्लड क्लॉटिंग होता है. ठीक है, बेसिकली रोल कौन प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग का, इनिशिएशन कौन देता है, व्हेन देयर इज एन इंजरी साइट, दैट इज एट द साइट ऑफ द इंजरी व्हेन द ब्लड ओजेस आउट ऑफ द वूम्ब. ठीक है, जब भी बाहर आ जाता है, वूम्ब से बाहर आता है, देन देयर आर द एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स. ब्लड निकल रहा है,
ब्लड के बीच में सारे कॉम्पोनेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सब कुछ है, ठीक है। वहां पे सबसे पहला इंजरी साइट से प्लेटलेट्स ने एक्टिवेट होना है, सबसे पहले प्लेटलेट्स ने एक्टिवेट होना है, और ये प्लेटलेट्स जो है ये आगे काम शुरू करती है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। प्लेटलेट्स एक्टिवेट तो हो गई, शुरुआत तो इन्होंने करनी है इंजरी साइट्स पे करनी है, लेकिन अंदर भी तो सपोर्टिंग फैक्टर्स होने चाहिए, ब्लड के अंदर भी तो मटेरियल्स होने चाहिए ना जिनको ये कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस प्लेटलेट्स दे व्हेन एक्टिवेटेड दे गेट एक्टिवेटेड अंडर द डायकेटाइनिक आयंस लाइक दैट ऑफ द कैल्शियम आयंस, ठीक है। डायकेटाइनिक आयंस की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाते हैं प्लेटलेट्स, एंड देन दे सिक्रीट अ पर्टिकुलर एंजाइम और अ केमिकल दैट विच कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द ब्लड इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स ने एक एंजाइम सिक्रीट किया थ्रोम्बोकाइनेज, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है डायकेटाइनिक आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, ठीक है। पहले से ब्लड के अंदर क्या पड़ा था, प्लेटलेट्स पड़ी थी, पहले से ब्लड के अंदर क्या पड़ा था, प्रोथ्रोम्बिन पड़ा था, प्रोथ्रोम्बिन तब तक के लिए एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ये एंजाइम नहीं आया, ये एंजाइम कहां से आया, जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, प्लेटलेट्स कब एक्टिवेट हुई, जब इंजरी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बॉडी में जब भी इंजरी होता है तो वो क्लॉट्स जो है वो बनाने में शुरुआत करेंगी, ये प्लेटलेट शुरुआत करेंगी, बिकॉज दे देमसेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट्स द प्रोसीजर, ठीक है। नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आर देयर, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द यू कैन से मेजर फैक्टर्स, ठीक है। अदरवाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, नंबर ऑफ द चेन रिएक्शंस आर देयर इन दिस होल प्रोसेस, प्रोथ्रोम्बिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। दिस थ्रोम्बिन इज वेरी यूजफुल नाउ, ये थ्रोम्बिन आगे क्या करेगा, ब्लड की प्लाज्मा के अंदर, अभी मैंने एक प्रोटीन का नाम लिया तीन क्लासेस में से, फिब्रिनोजेन, अभी नाम लिया ना, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन, है ना, मेजर प्रोटीन्स में आती है ये फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन एक मेजर प्रोटीन ऑलरेडी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पड़ी है और ये वहां पे सोल्युबलाइज्ड पड़ी है, सोल्युबल मतलब ये उसके अंदर घुली हुई है, एज सच इट इज लाइक इन द प्लाज्मा इट इज डिजॉल्व, ठीक है, उसका एज सच कोई अभी तक रोल नहीं है, अंटिल अनलेस इट इज नॉट गेटिंग द इनिशिएशन फ्रॉम द थ्रोम्बिन, अब इसको इनिशिएशन मिला सोल्युबल फैक्टर को, सोल्युबल फैक्टर थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एक इनसोल्युबल फाइब्रस फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन, दिस कन्वर्ट्स द फिब्रिनोजेन इंटू फिब्रिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स द फिब्रिनोजेन इंटू फिब्रिन, गेटिंग, नाउ द फिब्रिन दिस इज इनसोल्युबल, जो पहले था फिब्रिनोजेन प्रोटीन था, अब ये क्या हो गया, जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन हो जाती है ना, केमिस्ट्री में आप करते हो केमिकल्स डाला, उसके बीच में प्रेसिपिटेशन होनी शुरू हो जाती है, एंड ऑन द बेस ऑफ योर टेस्ट ट्यूब यू गेट द प्रेसिपिटेट्स, है ना, सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट्स, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, ये पहले से ही घुला हुआ था, एक क्लियर सोल्यूशन था हमारा प्लाज्मा जो था, ठीक है, ये पहले से घुला हुआ था, लेकिन जब भी उसके अंदर थ्रोम्बिन का एडिशन हुआ तो इसने क्या किया, प्रेसिपिटेशन शुरू कर दी, ठीक है, अ काइंड ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्पोनेंट फाइबरस फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया, ये फाइबर्स क्या करते हैं, उसी ब्लड में, जैसे अगर ब्लड वेसल है, सपोज दिस वॉज द ब्लड वेसल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द ब्लड वेसल हैविंग द ब्लड फ्लो, ये बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड तो नहीं रुक रहा ना, ब्लड तो फ्लो करते जा रहा है, इसके बीच में डिस्क शेप्ड आपके वो आरबीसीज हैं, देन सफेरिकल और राउंडेड लोबुलेटेड और न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लस साथ में हैं इरेगुलरली शेप प्लेटलेट्स, ठीक है, ऐसे हैं, इंजरी हुआ सब कुछ यहाँ से बाहर अलॉन्ग विद द प्लाज्मा सब कुछ फ्लो करेंगे ना बाहर, सारी चीजें बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलनी शुरू हुई प्लेटलेट्स ने इनिशिएशन दिया और जो प्रोडक्शन हो रही वो इसके अंदर अंदर हो रही, सारी कन्वर्जन हुई, फिब्रिन आ गया, इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, लाइट इन वेट है, ये फाइबर्स यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, ये ब्लड तो फ्लो करता जा रहा है, इट इज फ्लोइंग, ठीक है, ये फाइबर्स यहाँ पे ऐसे बनने शुरू हो, जो ये फाइबर्स बने ये लाइट इन वेट हैं, प्लस जहां से ब्लड निकल रहे हैं वहां पे भी तो पहुंचेंगे,
ठीक है, तो ये फाइबर्स यहाँ पे जाके इस तरह से डिपॉजिट होते जाएंगे एंड हेंस दे फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ क्लॉट। ठीक है, ये हार्डन होता रहेगा साथ साथ, ये सॉलिडिफाई होता रहता है, हार्डन होता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। ठीक है, एयर के कंटेक्ट में आने पे ये हार्ड होता रहता है। दिस इज वॉट इट इज गोइंग टू फ्रेम द और फॉर्म द क्लॉट। यहाँ पे फिब्रिन से बनेगा क्लॉट, समझ आया? तो दिस इज नॉट अ वेरी यू कैन से प्रॉपरली एक्सप्लेन, बट यस इट सर्व्स योर पर्पस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड दिस एक्सप्लेन्स द मेजर स्टेप्स, मेजर कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग। ठीक है, क्लियर टू ऑल? हाँ जी, एनी डाउट? ओके, सो दिस वॉज अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफ द सर्कुलेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो हुआ ब्लड के बारे में, नाउ कमिंग टू द सर्कुलेशन और द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन फिनोमिना जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दैट इट कैन बी ओपन टाइप, इट कैन बी क्लोज टाइप, इट कैन बी अ सिंगल सर्कुलेशन और अ डबल सर्कुलेशन। सो दिस इंफॉर्मेशन लाइक द इंट्रोडक्शन फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट बाय योर ओन? हाँ जी, डू यू हैव एन आइडिया व्हाट आर द सर्कुलेटरी सिस्टम इफ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन, हाउ मेनी सर्कुलेशन इट इज हैविंग? ठीक है, सॉरी, हाउ मेनी सर्कुलेशन इट इज हैविंग मीन्स सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बारी में पूरा ब्लड जो है वो पास ऑन हो रहा है या दो बार में? सो इट इज मेकिंग इट एज सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इट कैन बी करेक्टराइज ऑन द अदर बिहाफ ऑल्सो, दैट इज हाउ द सर्कुलेशन इज मेड। ठीक है, ये तो था नंबर ऑफ सर्कुलेशन के साथ, नाउ इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर सर्कुलेशन। यहाँ ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व? ठीक है, यू कैन से द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन उसके बिहाफ पे, या प्रोसेस ये लिख दो, प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के बिहाफ पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के बिहाफ पे, इट कैन बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इट कैन बी अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन? एनीवन रेज योर हैंड्स, ऑनलाइन चिल्ड्रन, ऑफलाइन वंस? जब एक ही बार एंटर और एग्जिट कर जाता है, दैट इज कंप्लीटिंग द फुल हार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। एंड व्हेन द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू हाफ्स सो दैट द ब्लड पासेस वंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड अनदर टाइम फ्रॉम द राइट साइड, सो कंप्लीटिंग वन सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? नहीं होते हैं जिसमें वो ओपन कैविटीज में फ्लो करता है, दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड द वन इन विच देयर आर द ब्लड वेसल्स, दैट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। द ब्लड वेसल्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कनेक्टिंग द आर्टरीज एंड द वेन्स आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द वेरी फाइन ट्यूबुल पार्ट्स। What are the thicker walled structures, arteries or the veins? Arteries. Arteries are the thick walled structures. They have the more of the thickened middle wall. ठीक है, जो इनकी middle wall होती है वो बहुत thick होती है as in comparison to the veins, and least is in the capillaries. ठीक है, they have the finest walls. Capillaries have the finest walls. Thickest are there in the arteries, and comparatively veins have the less thick walls. ठीक है, थिन यू कैन से एंड थिनेस्ट आर देयर इन द कैपिलरीज। विच ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स हैव द वाल्व्स? वेन्स हैव द वाल्व्स। ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट विद इन द वेन्स, नॉट इन द आर्टरीज। आर्टरीज डू नॉट हैव द वाल्व्स। ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, नॉट इन द आर्टरीज, राइट? विच ऑफ द टू कैपिलरीज ने तो इंटरकनेक्शन करना है आर्टरीज एंड वेन्स में से, विच ऑफ द टू दे आर हैविंग द दे सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? विच ऑफ द टू, आर्टरीज और वेन्स, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बट द वेन्स दे डू नॉट, है ना, ऑक्सीजनेटेड नहीं कैरी करती है, एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज ऑफ द पल्मोनरी वेन, राइट?
but these carry the veins carry the carbon dioxide rich blood or the deoxygenated blood, which the arteries do not carry. And an exception again being a pulmonary artery, right? Which of these carries the blood away from the heart? Artery or a vein? Artery. Artery carries it away from the heart and towards the body tissue. So these are the simple type of the differences, away from heart and towards body tissue. ठीक है, so ये हमारे पास कुछ एक differences हैं artery और vein के. लेकिन जो arteries हैं वो veins के साथ connected भी हैं. कैसे connected हैं? Capillaries की मदद से. The very fine branches of the arteries. हमने क्या बोला, ये थिक मिडल वॉल इसका थिक होता है, थिकेंड वॉल होती है. तो आर्टरी अगर हम सिंपल इमेजिन करें, दिस आर्म ऑफ माइन दैट एक्ट्स एज एन आर्टरी. ठीक है, आर्टरी गेट्स ब्रांच्ड अप, दीज फिंगर्स आर द ब्रांचेस, देन दे आर कनेक्टेड विद द अदर ब्रांचेस. ठीक है, जो एक कनेक्शन है बीच में, जो बिल्कुल कनेक्शन है, एंड्स ऑफ द टू फिंगर्स कनेक्टिंग टुगेदर, दैट एक्ट्स एज अ कैपिलरी. देन देयर आर अगेन फाइन ब्रांचेस, दैट इज ऑफ द वेन्स. ठीक है, फिर उसके बाद वेन कॉन्टिन्यू होगा, मतलब आर्टरी और वेन के बीच में पहले उनकी अपनी ब्रांचेस, फिर कैपिलरीज उनको कनेक्ट करती है. तो अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किस तरह कुछ नजर आएगा, दैट इज आर्टरी, दिस इज अ सिंपल आर्टरी. ठीक है, अब आर्टरी की पहले अपनी ब्रांचेस, पहले अपनी ब्रांचेस आएंगी ना, कैपिलरीज तो बाद में आएंगी. सो दीज आर अ काइंड ऑफ इट्स ओन ब्रांचेस है. ठीक है, देन देयर आर द स्टिल फाइन ब्रांचेस ऑफ द कैपिलरीज. ये हम लोगों ने बना दी, हर एक की आगे आगे दो दो बना दोगे तो भी चलेगा. सो दीज आर द स्टिल फाइन ब्रांचेस दैट ऑफ द कैपिलरीज. गेटिंग ऑर नॉट? ठीक है, गेटिंग ऑर नॉट? ये समझ आ रहा है स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑफ द कैपिलरीज, देन अगेन द कैपिलरीज दे यूनाइट टूगेदर फॉर्मिंग द ब्रांचेस ऑफ द वेन्स. नाउ अब किसकी ब्रांचेस बना रही है, ये वेन्स की. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द वेन स्ट्रक्चर्स. हाँ जी, गेटिंग? ये वेन्स की ब्रांचेस आ गए और ये बन गई वेन. गेटिंग और नॉट? ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर एक्चुअली द साइट्स ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ द मटीरियल्स विच एक्ट्स एज अ कैपिलरीज. These are the arteries. Artery is what? That which carries the oxygenated blood towards the organs. Organ के ऊपर ये capillaries arranged है. ठीक है, ये सारा इसके पीछे, let's say यहाँ पे organ है, तो organ के ऊपर capillaries arranged है. Artery वहां तक reach करेंगी, oxygen लेके जाएंगी, ये oxygen supply कर रही है. Capillaries में exchange होगा, oxygen अंदर जाएगा और organ से carbon dioxide बाहर आएगा, और ये carbon dioxide वाला blood जो है ये pass out हो जाएगा veins. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेन. व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज कॉल्ड एज, ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज आर्टरियोल्स. वेरी नाइस, दे आर कॉल्ड एज आर्टरियोल्स. एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द वेन्स कॉल्ड एज वेनियोल्स. ठीक है, वेन्स की वेनियोल्स, आर्टरी की आर्टरियोल्स. गेटिंग? सो दिस इज हाउ द ब्लड वेसल्स आर interconnected and the exchange of the gases takes place through it. Getting? Anji. Next is the structure of the heart. To explain the circulatory system further, we have the heart structure and the functioning of the heart. So along with the structure of the heart only, I'll be starting the function of the heart. अभी किसी को कोई doubt है किसी topic में जो अभी हमने किए हैं आज? Yes, anyone having any doubt, any confusion?